केसरी नंदन, तू केसरी नंदन। हुकुम साहब, आपके घर में तो साक्षात बजरंग बली का अवतार है हमारी केसरी। वो तो आई हमारे घर में, उनका आशीर्वाद बनकर है। सोच केसरी सोच, कहाँ पे मिलेगा असली बापू? अरे नहीं नहीं, कहाँ पे मिलेगा नकली बापू? अरे छोरे जल्दी कर जल्दी। ये हो सके मारा बापू? दिखने में गरीब है लेकिन देख के रहा है, घंटी बज चुकी है, चल जल्दी। नहीं, दिखने में गरीब है लेकिन हट्टा खट्टा नहीं है। केसरी नंदन सिंह के बापू दिहाड़ी मजदूर है, ईंट पत्थर उठाने वाला तो लगना चाहिए, इससे तो चिड़िया भी ना उठने वाली। नहीं केसरी, ये नहीं चलेगा। अरे गणतंत्र दिवस है आज, 26 जनवरी मनाएंगे नहीं हम? क्यों नहीं मनाएंगे, देश के सेवा में सबसे पहले मैं ही हूँ। सावधान, जानते हो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे देश के संविधान को बने हुए पूरे 69 साल हो चुके हैं। पूरे विश्व में भारत हमारा सबसे सुंदर देश है और सबसे महान गणतंत्र, गर्व है हमें हमारे सुंदर भारत देश पर। हमारे इसी गर्व को बढ़ाने के लिए, हमारे स्कूल के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे बीच एक खास मेहमान उपस्थित है और आप सभी से कहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। हमारे धनवा की जान, आन बान और शान, भारत केसरी पहलवान श्री हनुमंत सिंह जी। फिर से बापू सा मुझसे नकली बापू सा के मिलने के बारे में ना पूछ ले। नमस्ते नमस्ते।
मैं अपने खास अतिथि से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित बच्चे एवं शिक्षक गण का अपने मुखार बिंदु से मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गणी खम्बा उस्ताद जी। आदरणीय हेडमास्टर साहब, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण और धनवा के हमारे छात्रों का सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मारे को ये मान दिया। धन्यवाद। बच्चों, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे पूर्वजों ने भारत को आजादी दिलाई और 26 जनवरी 1950 में हमें संविधान मिला जिससे हमारी आजादी के मायने पूरे हुए। क्योंकि जिम्मेदारी के बिना आजादी खुले सांड की तरह होती है। दिशाहीन होती है, कहीं भी दौड़ती है। तो हमारे संविधान ने हमारी आजादी को एक रूप दिया, नया रास्ता दिखाया, एक दिशा दी। ये हमारे संविधान की देन है कि हम एक महान समाजवादी, समानवादी, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा देश हमारी माता, भारत माता, और ये तिरंगा हमारा मान, हमारा गर्व। तो जितना गर्व मारे को इस लहराते हुए तिरंगे को देखकर हो रहा है, उतनी ही उम्मीदें मारे दिल में आप सभी को देखकर उमड़ रही है। और वो इसलिए कि आप जानो कि ना जानो, आप सब हमारा भविष्य है। धनवा का भविष्य है, भारत माता का भविष्य हो, इस तिरंगे का भविष्य हो। ये आप सभी तय करेंगे कि भविष्य में ये तिरंगा कितना ऊंचा लहराएगा। तो ये आप ही तय करोगे कि भारत का कद विश्व में कितना ऊंचा होगा। तो छात्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपना जीवन प्रेम, गर्व और निष्ठा से जियो, खूब मेहनत करो और भारत का नाम रोशन करो। ये हमारा विश्वास है कि आप सब ये करोगे। जो थारा भी विश्वास है तो बोलो हमारे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।